के दिन को शिष्य पूर्णिमा कहा करते थे। शिष्य जो भी इच्छा करता है गुरु उसको पूर्णता प्रदान करता है और शिष्य अपना सर्वस्व अपने गुरु को प्रदान करता है, इसे गुरु पूर्णिमा कहा गया। महर्षि व्यास जी से लेकर आज तक, आज महर्षि व्यास जी का जन्मदिन और 18 पुराणों के श्रेष्ठ ज्ञान को प्रदान करने वाले व्यास महर्षि को हम नमस्कार करते हुए उन्हीं के नाम पर इस व्यास पूर्णिमा को और गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। मैं चाहता हूं कि यह व्यास पूर्णिमा आप सभी के जीवन में उतना ही ज्ञान प्रदान करे जिस ज्ञान को आज हमारा हिंदू धर्म, हमारा समाज सनातन धर्म एक दिव्यता को और श्रेष्ठता को चाहता है। मैं आप सभी से इस इन तीन दिनों में यही कहते हुए आया हूं कि इस निखिल चेतना केंद्र की 14 वर्ष की आयु, 14 वर्ष का वनवास जो भी था इसने भोग लिया, अब यह अपना राज्याधिकार जमाएगा। निखिल चेतना केंद्र सारे देश में, सारे संसार में व्याप्त होगा। साधना ही माध्यम है, साधना के बिना हम कुछ नहीं साध सकते। चाहे इस संसार में रामचंद्र जी ने भगवान के रूप, भगवान के अंश से जन्म लिया हो, या कृष्ण भगवान ने भगवान के अंश से जन्म लिया हो, या कोई महात्मा गौतम बुद्ध जी हो, जैन के संप्रदाय के महावीर हो, सभी ने बिना साधना के कुछ इस संसार में साधा नहीं। कोई ऐसा ही बैठे बैठे देवता या गुरु कहलाया नहीं, ये गुरु जी का कथन था। जिसने प्रताड़नाएं सही, कष्ट सहा, साधनाएं की, अपने शरीर को सुखाया, तब कुछ प्राप्त किया। अगर हम इस संसार में चाहते हैं, बहुत लोगों को ये कहते हुए सुनता हूं, मुझे आश्चर्य लगता है, गुरु जी मुझे शिव जी का दर्शन हो गया, मुझे शिव जी दर्शन दे गए, शिव जी का लिंगों को मैंने देखा है, शिव जी की कृपा मुझे प्राप्त है, मुझे पार्वती की कृपा प्राप्त है, मुझे आश्चर्य लगता है। जिस शिव जी को प्राप्त करने के लिए माता सती ने अपने जीवन में शिव जी को प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की, तपस्या ऐसी कि पहले बार दो समय भोजन करती थी, बाद में एक समय भोजन किया, बाद में वो केवल जल का, फल का आहार लेकर रही, जल का आहार लेकर ही फिर वायु भक्षण की, अपने शरीर को पूरा सुखा दिया, तब भी शिव जी ने उनकी परीक्षा ली और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद शिव प्रत्यक्ष हुए और उनका उनकी उनका विवाह माता पार्वती से हुआ। जबकि हम कहते हैं हमें शिव जी प्रत्यक्ष हो गए, आप बैठे बैठे फैन के नीचे शिव प्रत्यक्ष नहीं होते, शिवा भी प्रत्यक्ष नहीं होता, शिव की तो बात दूर रही। हम ये कहने से पहले विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमने जीवन में क्या साधा है, क्या साधना चाहिए और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। निखिल चेतना केंद्र यही कहता है कि मैं इस संसार में दूसरी बात नहीं जानता, केवल जानता हूं तो स्वामी निखिलेश्वरानंद जी, और जिनका ही प्रतिरूप, जिनका ही स्वरूप है, जिनका ही शरीर है, वो डॉक्टर नारायण श्रीमान सद्गुरुदेव, मेरे सद्गुरुदेव जी, उनके साथ मैं जुड़ा हूं, मैंने कार्य किया है, जिनकी रचनाएं सुनी है, जिनकी साधना शिविरों में भाग लिया हूं, जिनके पुस्तकों को पढ़ाऊं, और उनका एकमात्र ध्येय था तुम साधक बनो, तुम साधनाएं करो, इस संसार को वो ऋषितुल्य भूमि बनाएंगे। और ऋषितुल्य भूमि का अर्थ होता है, ऋषितुल्य भूमि में वेदों का अर्थ पता चलता था, वेदों की ऋचाएं वो लिखते थे स्वयं, वेदों को लिखने के कारण उस ऋषि और छंद का नाम वेदों को दिया गया है। वेदों के लिखने वाले ऋषियों ने देवताओं की सृष्टि की है, देवताओं ने ऋषियों की सृष्टि नहीं की, ऋषियों ने ही देवताओं की सृष्टि की है, इस बात को याद रखें। और उस ऋषि के तत्व को जो जानता है, जो साधनात्मक मार्ग पर जाता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है। चाहे राम और कृष्ण ने भी यहाँ जन्म लिया हो, तब भी वशिष्ठ, विश्वामित्र और शांतिपुरी जैसे गुरुओं के पास उन्होंने अध्ययन किया, उन्हें साधनाएं सीखी, साधनाएं की, तब कहीं वो देवता कहलाए। हम इस बात को अपने जीवन में सारभूत रखकर देखना चाहिए। मैंने जैसा कल कहा, मैंने उसी ऋषि परंपरा को जो गुरुजी ने बोध किया उसी को लेकर चल रहा हूं, और उसी के एक पग आगे बढ़ाते हुए जो कार्य नहीं करना था, जो कार्य के लिए साधारण लोगों को आज्ञा नहीं मिलती, उस आज्ञा को
गुरु जी के बल पर गुरु जी के चरणों में नमस्कार करते हुए मैंने पंचमुंडी आसन की स्थापना निखिल चेतना केंद्र में की। पंचमुंडी आसन की स्थापना एक आशामाशी खेल नहीं है, वो एक ऐसा आसन है जहां आप बैठकर आपके किसी भी तरह की मनोवांछा को आप पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन उस आसन पर बैठने की शक्ति हमें चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि अगर गुरु जी का आसन बिछा हुआ हो, गुरु जी जहाँ बैठते हो, तो हम उस आसन को नमस्कार करते हैं, उनके पदों को नमस्कार करते हैं, और उस आसन पर बैठने की शक्ति हमारे में नहीं होती। वह तो पंचमुंडी आसन साक्षात शिव का आसन कहा गया है, साक्षात माता ललिता त्रिपुर सुंदरी का आसन कहा गया है, जिसे पंच प्रेतासन कहते हैं, जहाँ पंच प्रेतों में शिव जी लेटे हुए हैं और उनको उनके ऊपर ललिता माँ बैठी हुई है। आज हम हमारी दशमा विद्याओं को देखते हैं, वे सभी भी एक शिव जी पर पांव रखी है, एक नरकपाल जो इस संसार के सर्वश्रेष्ठ साधक ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ तपस्वी और आज कलयुग के महर्षि और ब्रह्मर्षि है, ऐसे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य हैं। इस कलयुग में मैंने बहुत सारे आचार्यों से मिला, बहुत सारे संतों महात्माओं को भी सुना, सभी लोगों ने अपनी महिमाएं अपने चमत्कार बताकर उन्होंने अपने मंदिर अपने मठ मंदिर सब बनाए और हम उनके चरणों में झुककर अपनी इच्छाएं पूर्ण कर लेते रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति तो ऐसा हुआ जिनके परम पूज्य सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्रीमान से जाना जाता है, उन्हें अपने चरणों में नमस्कार करने से ज्यादा उन्होंने कहा कि तू साधक बन, तू ऋषि बन, और वो मार्ग अपनाया। वे कभी नहीं चाहते थे कि तू मेरे चरणों में आ जा, तू साधना कर, तू ऋषि बन और इस संसार को बदला। ये बात कहने वाले प्रथम इस कलयुग के आचार्य या ऋषि कहूं तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई ऐसा आचार्य नहीं है जिसने गुप्त विद्याओं को इस संसार में बताया। विद्याएं हमारे लिए गुप्त रही, मंत्र हमारे लिए गुप्त रहे, ये मंत्र नहीं करना चाहिए, काली माता के पास नहीं जाना चाहिए, काली का मंत्र नहीं करना, यही सभी लोगों ने कहा। लेकिन धड़ल्ले के साथ कहने वाला एक ही व्यक्ति था, तो कोई महाविद्या कर, मैं तेरा गुरु हूं, मैं तुझे आगे लेके जाऊंगा, ऐसा कहने की ताकत रखने वाले एक परम पूज्य सद्गुरुदेव जी थे। और उन्हीं के मार्ग पर चलता हुआ आज कितनी भी अड़चने आए आगे बढ़ता हुआ इस निखिल चेतना केंद्र को लेकर चल रहा हूं। लोगों ने अपनी प्रताड़नाएं कितनी भी दी होगी, मैं आपको कहता हूं कभी अपना पग पीछे मत डालो, अपना पग आगे डालो, चाहे वहां पहाड़ खड़ा हो, पत्थर खड़ा हो, कहो कि मैं डॉक्टर नारायण सिमाली जी का शिष्य हूं, सद्गुरुदेव जी का शिष्य हूं। पहाड़ भी आपको मार्ग नहीं देखा तो उनका ही शिष्य मैं आपके पीछे खड़ा हूं। आज आपके सामने कहता हूं कि आपके सामने पहाड़ भी खड़ा हो तो आवाज देना गुरु जी की, और गुरु जी के साथ मैं कहता हूं मैं गुरु जी की आवाज दी और मैं आपके पास पहुंच गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज सुनो, मैं कहता हूं कि गुरु जी की आवाज सुनो। गुरु जी कितनी दर्द के साथ उन्होंने इस मंत्र तंत्र विज्ञान की पत्रिका हो, सिद्धाश्रम साधक परिवार की स्थापना की हो, कितने अपमान उन्होंने सहा, इस समाज ने उनको कितनी प्रताड़नाएं दी, वे ही जानते हैं। क्योंकि इस कलयुग में मंत्र तंत्र विज्ञान को एक ढकोसला जाना जाता है, लेकिन जिसमें प्राण है, जिसमें शक्ति है, ऐसा कहने वाले वे ही एक व्यक्तित्व थे। आप बहुत सारे लोग ये कहते हुए, बहुत सारे लोग ये आते हैं कि बहुत सारी गुरु जी हमने साधनाएं की, हमें साधनाओं का फल नहीं मिला। ये बात मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ, ये बात कितनी गलत है आप एक बार देख लो। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने आपको लक्ष्मी साधनाएं दी, आध्यात्मिक साधनाएं दी, गुरु मंत्र दिया, सब कुछ दिया, और आप मेरे पास बार बार आते हैं, गुरु जी मैंने कुबेर साधना की मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने लक्ष्मी साधना किया मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे फलाना साधना किया कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं तू जहां से साधना करके आ रहा है वही तेरा श्रेष्ठ है, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा भाग्य है तेरा शरीर, और गुरु मंत्र करने वाले का शरीर महाभाग्य का शरीर है, उसको आरोग्य प्रदान करते हैं, उसको बीमार पड़ने नहीं देते। आप गुरु मंत्र करने वाले कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं जो बीमार है, आपकी इससे बड़ा भाग्य संसार में है ही नहीं। बीमार पड़े और करोड़ रुपए है किस फायदे का, आपके पास लाखों रुपए पड़े हैं आप बीमार पड़े किस रुपए का, बेटा रोज जूते मारता है हम पड़े हुए हैं किस मारते का। आप इतने सामर्थ्यवान हैं कि आप ये कहते हैं कि तू देख या ना देख, मैं तो मेरे गुरु का हूं मैं चला, ये कहने की शक्ति आज स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के शिष्यों में है, और मैं आगे भी देखता हूं। मुझे कभी कभी ये कहते हुए आश्चर्य लगता है, मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी लाखों करोड़पतियों को देखा है, वो जब मेरे पास आते हैं तो गुरु जी मैंने मेरे बच्चों को कह दिया है तू ठीक तरीके से मुझे देखता है तो देख, नहीं तो मैं निखिल चेतना केंद्र में जाके रहूंगी। उनके विश्वास पर मैं बलिहारी हूं, क्योंकि उनको विश्वास अपने बेटों पर नहीं है, विश्वास इस आश्रम पर है, विश्वास इस साधना पर है कि तू मुझे देखा ना देखा मैं तो निखिल चेतना केंद्र में जाकर रहूंगा। मेरी स्थापना का उद्देश्य पूर्ण हुआ, मेरे गुरु पर उनका विश्वास पूर्ण हुआ, और मैं ये चाहता हूं कि कल के दिन आप ऊपर भी लोग इसी प्रकार का विश्वास करें कि मैं वाक सर के साथ हूं, मुझे किसी प्रकार का कोई
कोई मुझे कोई डराएगा नहीं, ये शक्ति आप में आनी चाहिए। एक वाक्सर नहीं, वाक्सर जैसे आप हजारों लोग भी वही होना चाहिए, आपके साथ 10 लोगों को लेके चलने की क्षमता होनी चाहिए। और ये क्षमता नहीं है, केवल साधना के मार्ग से आती है, बिना साधना के हम कुछ साध नहीं सकते। आज इसको स्थापना पंचमुंडी आश्रम की स्थापना के वजह के लिए जिस मार्ग से मैं गुजरा, जिन लोगों ने जो जो बातें कही, फिर भी मैंने कल रात में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में झुककर नमस्कार किया, पंचमुंडी आसन पर बैठा, जो पहला आसन था, जब उसमें उसके ऊपर बैठकर मैं जप कर रहा था तो मुझे वेदों की ध्वनि सुनाई, वेदों का घोष सुनाई दिया। और जब मैं दूसरे आसन पर आया तो देवताओं की घंटियों की आवाज आई, और तीसरे आसन पर गया तो ओंकार की ध्वनि आई। मैंने कहा परम पूज्य सद्गुरुदेव मेरी तरफ है और आसन सिद्ध है, मैं इन सारी चीजों को देखकर भी आपके मुख पर इस निखिल चेतना केंद्र से आप खाली हाथ ना जाएं, आप रोते हुए ना जाएं, मुस्कुराते हुए जाएं, यह मेरी कामना है। आप जाएं भी तो ये विश्वास के जाएं, संसार चाहे हमें धिक्कार दें, संसार चाहे हमें कुछ भी कहे, संसार में हम आगे पीछे होकर हम एक धिक्कार रूपी अवमानित जीवन भी जिए, लेकिन हमें निखिल चेतना केंद्र नाम की एक संस्था है और जहाँ परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वरानंद जी है वो हमारी रक्षा करेंगे, वहां हमारा यम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना हमारे कोई देवता भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इस बात का विश्वास रख के चलो, आपके साथ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी है। मैं आप सभी को कल एक बात मैंने कही थी कि मैंने पंचमुंडी, समय कम रह गया है, आनंद के क्षण ज्यादा हो गए हैं निखिल चेतना केंद्र में, इस कारण मैं कह रहा हूं कि जिस पंचमुंडी आसन को स्थापन किया हूं, आप चाहे दशमा विद्याओं को चाहने वाले हो, परम पूज्य सद्गुरुदेव की कृपा चाहने वाले हो, या आप जीवन में आपकी कोई भी इच्छा व्यक्त करने वाले हो, मैं आपको एक बात जरूर कहता हूं कि मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना किया, गुरु जी जो आपका मंत्र जप करते हुए यहाँ कल तक साधना किए हैं वे खाली हाथ न जाएं, आप इसके लिए कोई मुझे मार्ग बताओ ताकि वे पंचमुंडी आसन पर से गुजरे और उनकी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा कुछ करो। अरे जोशी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा गुरु जी का कहना था, ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग पंचमुंडी आसन 5 सवा लाख जब तक नहीं करते, दशमा विद्या सिद्ध नहीं करते, वो लोग नीचे गिर जाएंगे, वो लोग कुछ भी मांगेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु जी ऐसा नहीं हो सकता तो हम बैठे ही हैं, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हमारे जीवन में एक हो सकता है, हम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का ओम परम तत्व है नारायण गुरु प्योरमा मंत्र जप कर सकते हैं, हमें यही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। और हमारी नैया को पार लगाना यह मंत्र का ही काम है, और वो नैया को पार लगाना आप ही करना चाहिए। गुरु जी कोई मार्ग बताओ, हमारे में जब शक्ति नहीं, आप ही कहा करते थे, जब हमारे में शक्ति काम नहीं करती, हमारे में शक्ति, हमारा मंत्र काम नहीं करता, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, हमारा शरीर अंतर बाह्य शुद्धि से शुद्ध नहीं है, हमारी वाक शुद्धि नहीं है, हम रोज झगड़ते हैं, हम बहुत नीचे कमीने निकम्मे हैं, लेकिन प्रभु फिर भी आपके चरणों की धूल लेकर तिलक लगाते हैं और आपका मंत्र इस मुख से करते हैं, इसलिए हम शुद्ध हैं, हम पवित्र हैं, हमें पंचमुंडी आसन पर जाने का अधिकार दो, हमें पंचमुंडी आसन पर जाने का अधिकार दो। जब कहा तो गुरु जी की एक मुस्कुराहट ने मुझे कह दिया कि तू तो मुझे छोड़ने वाला नहीं, ऐसा गुरु जी का कहना था, तू तो मुझे लेकर इसके ऊपर तो वाद करेगा ही करेगा, कुछ करेगा, तुझे जो करना है कर, मैं नहीं कहता गुरु जो करना है नहीं, आप कहो मुझे क्या करना है, मुझे तो इन सभी के मुख पर हंसी देखते हुए भेजना है, मुझे कहो कि आपको मुझे क्या करना है। गुरु जी ने कहा क्या करना है, मैं तेरा गुरु, मेरे गुरु और एक है स्वामी दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी वहां बैठे हुए हैं, मैं उनको मांगता हूँ कि क्या करना है, क्या करना है ये अगर मैं नहीं मांगू, तूने तो 3 आसन स्थापन कर दिए, लेकिन 3 आसन पर इन सभी लोगों को लेकर जाएगा जो अपने शरीर मनो वाक्य कर्मों से किस तरह है तुझे पता है। एक एक बार कहता है गुरु जी मैंने 1.25 लाख किया तो कह देता है 1.25 लाख मंत्र जब किया तो गुरु जी आपके ऊपर उपकार किया, 1.25 लाख मंत्र हो गया मेरा गुरु जी कुछ नहीं हुआ, 1.25 लाख मंत्र से कुछ होता तो इस संसार में आज तक सब लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाते। अरे तू अच्छी तरह जिंदा है, बिना रोग के अच्छा बैठा हुआ है, तेरे हाथ पैर अच्छे चल रहे हैं, इससे बड़ी देन गुरु जी की क्या होनी चाहिए, और ये जब तक नहीं होता हम इस संसार में साधने गुरु जी की कृपा को हम समझना चाहिए। कभी मैं इसीलिए आपको बार बार कहता हूँ, कभी एक बार ऐसे दवाखानों को जाकर आप देखो जहाँ मरीज पड़े हुए या तड़पते हैं करोड़ों रुपए लेकर हैं, और हम जब उन्हें देखते हैं तो लगता है कि हम बहुत भाग्यवान हैं कि हम वैसी जिंदगी, नरक भरी जिंदगी हम नहीं जी रहे, और केवल ये मंत्र का प्रभाव है जो आपको इस आरोग्य को, इस महाभाग्य को परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने किया है।
जब आपके हाथ पैर अच्छे, इसीलिए हिंदी में कहा है, कहा गया है, जान बची लाखों पाए। आपकी जान अच्छी है तो लाखों कमा सकते हैं, अगर जान ही नहीं रही तो लाख क्या कमा सकते, खाक कुछ भी नहीं कमा सकते। और इस संसार में इस कमाने की चीज के लिए हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, हमारी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, तो हम गुरु मंत्र जब तो करेंगे ही करेंगे, और अच्छे कार्य के लिए हम बुरे कर्मों में भी जा रहे हैं तो हमारे गुरु पीछे हंटर लेके खड़े हैं, मारते हुए रास्ते पे ले आएंगे, चाहे हम पशु भी क्यों ना हो। मैं आपको कहता हूं कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के चरणों में झुककर मैंने जब यह प्रार्थना की कि प्रभु जितने भी लोग गुरु चादर ओढ़ के आए हैं और गुरु मंत्र जप किया है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ने मंत्र जप किया है, अपने हृदय पर हाथ रखकर अगर वे कहें कि हमने सुबह उठकर मैंने जो रात में कल मंत्र जप कहा है वो किया है, तो वो लोग हाथ उठा के हमने मंत्र जप किया है। झूठे हाथ ना उठाएं, सच्चे हाथ उठाएं। आप सब लोग एक बार खड़े रहो जिन्होंने हाथ उठाया, जिन्होंने मंत्र जप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया है, जिन्होंने सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में काल करने का जप किया है, वो लोग ये खड़े लोग ही हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि एक मिनट के लिए पंचमंडी आसन पर से गुजरने की शक्ति आप सभी को देता हूं जिन्होंने मंत्र किया है, लेकिन एक शर्त पर देता हूं, वो यह कि पंचमंडी आसन पर जाने के बाद आप अपनी जीवन में कोई भी इच्छा बोल लो, आप में शक्ति है या नहीं है मैं नहीं देख सकता। जब आपकी शुद्धता परिशुद्धता काम नहीं करती तो एक दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी का यंत्र बनाया हुआ है, आप सब लोग जिन्होंने कल रात में मंत्र जप किया है यंत्र हाथ में रख लो, और जिन्हें संसार में कुंडली जागरण और भाग्य चाहिए, अध्यात्म चाहिए, वो उस यंत्र पर सर गुजरते समय ओम ऐम सच्चिदेकम ब्रह्मा ये यंत्र हाथ में पकड़ लेकर गुजरना चाहिए। पहला पंचमुंडी जो आसन है, दूसरे पंचमुंडी आसन पर आप अपनी भौतिकता मांग सकते हैं, धन पैसा ऐश्वर्य बिजनेस जो भी है, आप दूसरे में ओम ह्रीम सच्चिदेकम ब्रह्म। और तीसरा रुद्र का जो आसन है उसके ऊपर आप अध्यात्म में इस संसार में आपकी बीमारी, आपकी शत्रु पीड़ा, आपके कोर्ट कचहरी केसेस इसके बारे में मांग सकते हैं, उसमें ओम श्रीम सच्चिदेकम ब्रह्म। इन तीनों मंत्रों को आप यंत्र लेकर इधर से इस डोर से निकलेंगे और उस डोर से उतरेंगे, खड़े नहीं रहेंगे ना बैठेंगे, इस बात का ध्यान रखें, बैठेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, फिर आपको उठाने की बात मेरी बस की बात नहीं है। और इतनी भी बात बता रहा हूं, जिंदा सांप वहां है, आसन पर जिंदा सांप है, आप इसको देखकर जाना चाहिए। मैं उदय महाराज शिशु जी को और उनको कहता हूं कि ये जो लोग जिन्होंने खड़े यहां खड़े हैं वो लोग एक मिनट में दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी का यंत्र जो आसन पर चढ़ने का है, गुरु जी ने कहा है, वो यंत्र को अपने हाथ में रख लो और पंचमुंडी आसन पर जाने की क्रिया करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आप सभी को ले रहा हूँ, ऐसे ही खड़े रहो और खड़े रहे एक माला गुरु मंत्र जप, एक माला गुरु मंत्र जप करो, उसके बाद मैं आपको यंत्र लेने के लिए भेज दूंगा और पंचमुंडी आसन पर आपको विराजमान करूंगा, जरूर वहां से भेजूंगा। जो खड़े हैं वैसे ही खड़े रहे, जो बैठे हैं वैसे ही बैठे रहे, एक माला गुरु मंत्र जप करो। आसन पर बैठने के लिए भी परीक्षा ली जाएगी। इस स्थिति को आप अपने पास अपने बुद्धि में रखकर अपने विचार कर आप आगे का कार्य करें। मैं ये बात आपको कल भी बताया हूं और आज भी कह रहा हूं कि चाहे कितने भी संत हुए हो, कितने भी महात्मा हुए हो, चाहे यीशु क्राइस्ट की समाधि हो या किसी महान की दरगाह हो, इसमें मुंड को ही नीचे रखा जाता है और उसको प्रार्थना की जाती है। हमारे पास भी दशमा विद्याओं को आप देख रहे हैं, ये बार बार कह रहा हूं, दशमा विद्याओं की साधना
केवल पंचमुंडी आसन और नौमुंडी आसन पर ही सिद्ध होती है इस कलयुग में, इसलिए विशुद्धानंद जी ने काशी में नौमुंडी आसन की स्थापना की थी। लेकिन बाद में उस नौमुंडी आसन को भी लॉक कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, आज उसके ऊपर नहीं चढ़ सकते। कहीं निखिल चेतना केंद्र में भी ऐसा ना हो कि मैं लॉक कर दूं, इससे पहले आप सचेत हो जाओ और आपको कार्य करना है कि किस प्रकार आपको दस महाविद्याएं सिद्ध करनी है। आपके जीवन में आप ऐश्वर्य चाहते हैं, जो कोई भी इच्छा चाहते हैं, आप केवल पंचमुंडी आसन की आसन पर विराजमान आपके इच्छाओं को आप पूर्ण कर सकते हैं। फिर भी आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आप सभी लोगों को यह आशीर्वाद देता हुआ कि आपके जीवन में सकल समृद्धि हो, आप आपके जीवन की विशेषताएं प्राप्त करें, आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूर्ण हो, यह इच्छा व्यक्त करता हुआ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने एक बार एक वामांग नाम का नेपाली भक्त था जिसे कुछ आता नहीं था, जो केवल गुरु जी का भक्त था और गुरु जी के चरणों में सर झुकाया। लेकिन गुरु जी को देखने के बाद जब जो स्वामी निखिलेश्वरानंद जी हिमालय की ओर घूम रहे थे तो उनको उनके प्रति आकर्षित हुआ और उसने कहा कि प्रभु मैं आप मेरे को कुछ मंत्र वगैरह नहीं आता। तो गुरु जी ने उनको ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः का मंत्र दिया, गुरुभ्यो नमः का मंत्र दिया, तो उसको परम तत्वाय भी बोलने नहीं आया। गुरु जी ने उन्हें कहा केवल नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र को कर ले, और नारायणाय गुरुभ्यो नमः मंत्र करते हुए वह नेपाल से लेकर सिद्धाश्रम तक चला, केवल इसी मंत्र को बोलते हुए। उसको पूर्ण तरीके से पहुंचने के लिए 1 साल 2 महीने लगे, चलते हुए वह सिद्धाश्रम पहुंचा। लेकिन जैसे सिद्धाश्रम की, मैंने कहा आप सभी लोग बाहर लान में खड़े ना, मैं बुलाता हूं सभी लोग जिनका कार्य हुआ है बाहर लान में। और जब वो वामांग सिद्धाश्रम के द्वार तक पहुंचा केवल गुरुजी का नाम लेते हुए, उसके कपड़े फट गए थे, उसके शरीर से लहू बह रहा था, उसके पांव में फफोले आए थे, वो तपस्या थी उसकी। और वो सिद्धाश्रम के द्वार पर पहुंच गया और उसने कहा कि मुझे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से मिलना है, उन्होंने मुझे वचन दिया है कि मैं तुमसे मिलूंगा। तो उसने कहा यहां दश महाविद्या सिद्ध करने वालों को ही यहां प्रवेश मिलता है, दूसरे लोगों को प्रवेश नहीं मिलता। तो उसने कहा दश महाविद्या क्या होती है, मुझे पता नहीं दश महाविद्या क्या होती है। उसने कहा दश महाविद्या होती है काली, तारा, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, ऐसे नाम ले रहा था। तो उसने कहा क्या, और एक बार दोहराओ। उसने कहा काली, तारा, और एक बार दोहराओ। जैसा ही उन्हें कहा ओम नारायणाय गुरुभ्यो नमः, जैसे ही उन्होंने काली कहा तो उन्हें काली को प्रत्यक्ष देखा, तारा का नाम लिया तारा को प्रत्यक्ष देखा, बगलामुखी का नाम लिया बगलामुखी को प्रत्यक्ष देखा। वह जो द्वारपाल सिद्धाश्रम पे खड़ा था उसका दिमाग सर गया कि ये क्या आदमी, फटे कपड़े डाला हुआ है, इसके पास कुछ नहीं है, न मंत्र नहीं आता, मैं जिस महाविद्या का नाम ले रहा हूं वह उसके सामने खड़े हैं, वो विद्या खड़े हो रही है। उसने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी अंदर खड़े हुए थे, उसने कहा कि आप यहां द्वार पर ठहर जाओ, मैं गुरु जी से पूछ के आता हूं। लेकिन उसने कहा जैसा ही द्वार खोला देखता क्या है कि स्वामी निखिलेश्वरानंद जी सामने खड़े हैं इस वामांग को अंदर बुलाने के लिए सिद्धाश्रम में, क्योंकि ये गुरु मंत्र की महिमा है, गुरु मंत्र की श्रेष्ठता है जो अंदर तक पहुंच सकते हैं। वो वामांग भी एक अनपढ़ व्यक्तित्व जिसके पास केवल श्रद्धा और भक्ति के सिवा कुछ नहीं था, केवल अपनी तपस्या, अपने शरीर को गुरु के चरणों में लगा दिया था, पूने पार के फपोलों के साथ एक ड्रेस पर वह 365 दिन 1 साल 10 महीने चलता गया नमस्कार करते हुए। और उसके इस तपस्या से गुरुजी केवल गुरु मंत्र को करते हुए उसने यह कार्य सिद्ध किया। क्योंकि हम ऐसी भी तपस्या नहीं कर सकते, ये हमारी कमी, ऐसी तपस्या करने से पहले भी हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। हम 1 घंटा 2 घंटा गुरु की सेवा कर लिए तो हम ऐसा समझते हैं कि गुरु के ऊपर हमने बहुत बड़ा उपकार किया, हमने गुरु मंत्र जब किया है, गुरु जी सुबह से खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया है, मैंने गुरु कार्य किया, अब गुरु क्या करें, उनका सर पकड़ ले, ऐसा नहीं। तुम्हारे इस सेवा को वह अपने दिल से जानता है कि तुमने मन से सेवा की है और उसका फल भी वो देना चाहता है। इससे पहले कि मैं ऐसा कोई कार्य आपको सौंपू या करूं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप आज अगर 4 बजे तक बिना खाना खाए पानी पिए गुरु मंत्र जब करते हैं
तो मैं जरूर आपको पंचमुंडी आसन पर चढ़ाऊंगा। गुरु मंत्र जप करने वालों केवल गुरु मंत्र जप कर लो, मैं बाकी का काम मैं देखता हूँ। लेकिन शर्त यह है कि 4 बजे तक पानी भी नहीं पियेंगे, यहीं बैठे रहेंगे और गुरु मंत्र जप करेंगे, उनको पंचमुंडी आसन पर बैठने का मौका जरूर दूंगा। ये मेरी तरफ से आपको ये रायती है, डिस्काउंट है, क्योंकि आप आगे चलकर ये काम कर सकते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। अभी समय कितना हो गया, 12:30। 4 बजे तक आप बिना खाए पिए यहीं बैठ के साधना करेंगे, गुरु मंत्र जप करेंगे, उसके बाद आप मुझे मिलेंगे। मैं तब तक हमारे नारायणपेट वालों को और सतीश को कहता हूं कि अच्छे से भजन सुनाते हुए इनका मनोरंजन करना, क्योंकि गुरु पूर्णिमा में मुझे भी गुरु का पूजन करना है और मैं आगे का कार्य करने जा रहा हूं, जिसके लिए आपके लिए परमिशन लेने के लिए गुरु जी के पास मेरे शरीर को घोटना पड़ता है, मुझे गुरु जी को प्रार्थना करनी पड़ती है। माँ गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। आज गुरु पूर्णिमा के दिन किसी भी तरह आपको पूर्णता प्रदान करके ही भेजना चाहिए, यह उद्देश्य रखा हूं। लेकिन आप का भी कर्तव्य होता है कि हमने गुरु चरणों में सेवा रूप से क्या समर्पित किया है। मैं आपका गुरु नहीं, आपके गुरु है स्वामी निखिलेश्वरानंद जी। आप मंत्र करते हैं परम पूज्य सदगुरुदेव जी का, और यह आश्रम है परम पूज्य सदगुरुदेव जी का निखिल चेतना केंद्र के नाम से। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आप एक बात, हम कोई भी कार्य करते समय परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सेवा में हमने क्या किया है, ये प्रश्न कर लो। प्रश्न कर ले कि आप आओ, मैं आपके लिए मेरा देह मेरे प्राण भी आपके लिए देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको गुरु पूर्णिमा की पूर्णत्वता को बताऊं, आप एक बात यह ध्यान रखें कि हम गुरु पूर्णिमा के दिन पूर्णत्व प्राप्त करने के लिए जिस उद्देश्य से जी रहे हैं, गुरु जी तो सब देने के लिए तैयार है। आपको जो कुछ भी अपना ज्ञान, मैंने अभी जैसा कहा, धन देते हैं तो खर्च हो जाएगा, अन्न देते हैं तो खान के मैल होके चला जाएगा, प्राण भी है तो चले जाएंगे, लेकिन जब तक जिएंगे तब तक एक श्रेष्ठ जीवन जिएंगे। अगर यह आप में निर्णय है तो उस परम पूज्य सदगुरुदेव जी की बनाई हुई जो बनाया हुआ जो मार्ग है साधना मार्ग, हम उस मार्ग पर कहां तक चल रहे हैं। हम उस साधना मार्ग पर चलने से पहले गुरु जी से कुछ लेने की क्रिया हम कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे हैं, ये हमारे में एक श्रेष्ठता की जानकारी होनी चाहिए, श्रेष्ठता की दिव्य ज्ञान होना चाहिए। हम इस ज्ञान के लिए परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में हमने क्या सौंपा, हम क्या लिया, यह बात हमारे में जब तक नहीं आती तब तक गुरु तो तुम्हें देगा ही। तुम गुरु चरणों में आए हैं तो ज्ञान देगा, गुरु चरणों में आए हैं तो तुम्हें वो विद्वत्ता देगा जो कभी तुम्हें तुम्हारे जीवन के अंतिम क्षण तक नहीं, इस जन्म नहीं आने वाले जन्म तक भी खत्म नहीं होगी। वो तुम्हें जोड़ने की क्रिया करता है, वो तुम्हें अपने पास रखने की क्रिया करता है, वो तुम्हें कभी ठुकराता नहीं। लेकिन तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है, शरीर धारण किए हो तो गुरु चरणों में पहुंचना है। शिष्य का अर्थ होता है सिर नवाकर गुरु के चरणों में जाने को शिष्य कहते हैं। और हम गुरु पूर्णिमा के दिन परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में ना पहुंचे, यह हमारे दुर्भाग्य का दिन समझना चाहिए। यही कारण हुआ कि इस संसार में हमने देखे कितने ही शिष्य हुए, कितने ही शिष्य हुए जैसे गुरु को उन्होंने देखा भी नहीं, और गुरु के चरणों में गुरु की केवल मूर्ति और फोटो रखकर ही पूजा की और अपने आप को समर्पित किया। ऐसे महान भव परम पूज्य सदगुरुदेव जी के कितने ही भक्त हैं जो अपने आप को समर्पित मानते हैं। लेकिन गुरु जी का कहना था, शिष्य का अर्थ होता है गुरु के समीप जाना, गुरु के नजदीक जाना, और गुरु के आंखों की दृष्टि में पहले दीक्षाएं 8 प्रकार की है, द्रुत दीक्षा है, स्पर्श दीक्षा है, मंत्र दीक्षा है, योग दीक्षा है, शक्तिपात दीक्षा है, सिद्धि दीक्षा है, और इस संसार में राज्याभिषेक भी और साम्राट अभिषेक भी दीक्षा है। मनुष्य के जीवन को जो दरिद्रता से जीता हो, दरिद्रता उसे कहते हैं, हर प्रकार का असमर्थ व्यक्ति उसे दरिद्र कहा जाता है। वो कुछ काम नहीं कर सकता, अपने आप पे सोया हो रहता है। गुरु जी का कहना था कि मेरा शिष्य अगर चेतनावान बनना है तो उसके 1000 दुश्मन होने चाहिए, तब वह कहीं इस संसार में एक श्रेष्ठता से जीवन जीता है। जिसके दुश्मन ना हो, खा पी के सो जाने की क्रिया हो, तो वो इस संसार में ना कुछ कमा सका ना कुछ गमा सका। ऐसा जीवन जीना भी कोई जीना नहीं, जब तक हमारे जीवन में यह निर्णय नहीं ले लेते कि हमारे शरीर को
गुरु चरणों में समर्पित करना है, गुरु चरणों में समर्पित करने के लिए गुरु जी ने कोई पांव दबाने की क्रिया नहीं कही। गुरु जी ने कहा तुम्हारा जीवन साधनात्मक हो, साधना जहां होती है वहां सिद्धियां अपने आप वर्ण करते हुए अपने पास आती है। हमने साधनाएं नहीं की, हमारे पास यह कार्य नहीं हुआ तो हम हमारे जीवन में वो श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने जैसा कहा कि आज यह निखिल चेतना केंद्र स्थापना करने के लिए या आपको लेकर चलने के लिए मैंने किस तरह के पग, किस तरह भागा हूँ, किस तरह दौड़ा हूँ और किस तरह गुरु कृपा की प्राप्ति के लिए मैंने तड़पा हूँ, यह मैं जानता हूँ, ये मेरा अनुभव है। लोगों ने निंदाएं भी की, लोगों ने सराहनाएं भी की, लोगों ने माला भी पहनाई, लोगों ने गालियां भी दी, लेकिन यह विचलित न होते हुए जो कार्य चला मैं भी आपको यही कला सिखाना चाहता हूँ। और यह विचलित न होने की क्रिया केवल गुरु मंत्र से, केवल गुरु कृपा से ही हमारे में, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में आती है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास महर्षि हो, सारा गुरु मंडल हो, पूरे पृथ्वी मंडल पर अपनी कृपा बरसाते हुए घूमते रहता है। और हमारे गुरु मंडल परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का गुरु मंडल जो है वो सिद्धाश्रम का है और सिद्धाश्रम में हजारों व्यक्तित्व, हजारों गुरु तो है ही, हजारों वर्ष आयु प्राप्त व्यक्तित्व भी है। हम इन सभी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, हमारे जीवन में सबसे साधनात्मक दृष्टिकोण होता है गुरु के प्रति निष्ठावान होना, गुरु के प्रति श्रद्धावान होना, गुरु के प्रति प्रेम रहना। एक बार विवेकानंद जी बैठे हुए माता काली की पूजा कर रहे थे, उतने में रामकृष्ण परमहंस जी आए तो पूजा करते करते विवेकानंद जी को लगा कि पूजा छोड़कर रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाने का क्या, पूजा पूर्ण करके जाएंगे। रामकृष्ण परमहंस जी ने देखा और वे अपनी काली माता को नमस्कार करके बाहर आ गए। बाहर आने के बाद काली माता ने विवेकानंद जी को एक झटका मारते उनके सामने की पूजा सामग्री सब नीचे गिर गई। विवेकानंद एक हतप्रभ रह गए, परेशान हो गए कि ये क्या हुआ। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया और बाहर आए, जितनी बार भी कुछ कार्य के लिए हल्दी कुंकू लगाते थे और वो हल्दी कुंकू नीचे गिर जाता था, फूल नीचे गिर जाते थे, कितना करने पर भी समझ में नहीं आ रही थी पूजा नहीं हो रही। वे बाहर आए, अगर बोले परमहंस जी मैं पूजा के लिए बैठा हूँ, आप जैसा ही आके गए सारी सामग्री नीचे जा रही है। अरे ऐसा हो रहा है, रामकृष्ण परमहंस जी अंदर आए, देख रहे हैं क्या हुआ। वो पूजा की सामग्री रखे तो कुछ भी नहीं हुआ, अरे अच्छा ही है पूजा की सामग्री रखा हूँ। लेकिन जैसे ही विवेकानंद ने रखा वो पूजा की सामग्री नीचे गिर गई। तब रामकृष्ण परमहंस माता काली से पूछते हैं माँ क्या हुआ। तो कहा कि हे रामकृष्ण परमहंस, जिस विवेकानंद को इतना भी ज्ञान नहीं है, उसके गुरु आने पर वो अगर अपनी पूजा छोड़कर गुरु को नमस्कार करता तो मैं ये पूजा स्वीकार करती, उसने तेरी को तुझे नमस्कार नहीं किया और मैं ये पूजा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैंने इसको मार दिया। तब रामकृष्ण परमहंस माता काली के चरणों में नमस्कार करके कहते हैं माँ इसे क्षमा कर दो, मैं इसे क्षमा नहीं करूंगी, लेकिन तुझे कहूंगी कि गुरु की प्रधानता क्या बताना ये शिष्य को जब तक नहीं बताता तब तक काली क्या कोई देवता भी प्रसन्न नहीं होता। जब तक अपनी गुरु जी कहा करते थे कि सिद्धाश्रम में ऐसे भी योगी हैं जिन्होंने 1 करोड़ जप करना है, 99 करोड़ 99 लाख भी जप हो गया है और करते समय जब 1 करोड़ के जप में अनुष्ठान उठना नहीं चाहिए, लेकिन उस समय अगर गुरु आ गया और उस तप में भंग हो गया तो आप 99 लाख का जप छोड़ दो और गुरु चरणों में पहुंच जाओ, जो गुरु चरणों में पहुंचा वो सिद्धिप्रद हुआ। उसी प्रकार गुरु पूर्णिमा के दिन चरणों में पहुंचा वो सिद्धिप्रद हुआ। उसी प्रकार गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु चरणों में कितनी दूर भी हो पहुंचना चाहिए, अगर ये नहीं हो सकता है तो गुरु चरणों में अपनी ओर से समर्पित कार्य, पूजा सामग्री जो भी करना है वो करना ही चाहिए। जो गुरु करने के बाद भी गुरु पूर्णिमा तक गुरु तक नहीं पहुंचता वो पूर्णत्वता प्राप्त भी किया हो तो खो जाता है, कोई देवता उसके ऊपर आशीर्वाद देने के लिए नहीं आता। यह कार्य उन्होंने बहुत बार कहा, यही बात हुई हम सब लोग जानते हैं कि द्रोणाचार्य और एकलव्य के बारे में, एकलव्य अपने गुरु के प्रति बहुत निष्ठावान थे, इतने निष्ठावान कि उनको उन्होंने उनकी मूर्ति की पूजा किया, धनुर्विद्या सीखी, धनुर्विद्या इतनी जोर से सीखी कि उनकी विद्या के सामने, उनकी निष्ठा और श्रद्धा के सामने सारा संसार नतमस्तक था, सारा संसार नतमस्तक था। और वे आगे बढ़ते गए और अपने गुरु के सामने ही अपनी विद्या को बताते हुए उनके प्रिय शिष्य अर्जुन को हराया, इतनी श्रद्धा अपने गुरु के पास रखें। लेकिन जिस दिन द्रोणाचार्य आए हुए थे अपने गुरु के साथ और अर्जुन ये पूछ रहा था
कि यह जो बाण विद्या सीखने वाला यह व्यक्तित्व है, हे गुरु आप ये तो मेरे से भी श्रेष्ठ निकला। तो उसने कहा कि उनको जाके पूछा कि तेरा गुरु कौन है। एकलव्य को द्रोणाचार्य पूछते हैं कि तेरा गुरु कौन है, तो वो कहता है कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य है। तो उसने कहा कि तू द्रोणाचार्य से दीक्षा कब ली तूने, तो क्या वो दीक्षा मुझे नहीं दी है, और दीक्षा देने की मैं बात भी कर रहा था तो उन्हें दीक्षा देने से इनकार कर दिया, लेकिन मेरी श्रद्धा उनके प्रति है और मैं उनके प्रति अपना सर झुकाकर नतमस्तक होकर उनकी प्रार्थना करता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या तूने द्रोणाचार्य को देखा है, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने द्रोणाचार्य को देखा है, यह तो मैंने उनकी मूर्ति बनाई और यह तो उनकी रोज पूजा करता हूँ और उनकी उनकी आराधना करता हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा तो द्रोणाचार्य को पहचानता है। फिर दूसरी बार उन्होंने एकलव्य से पूछा तो क्या यही तो पूजा करता हूँ, यही तो द्रोणाचार्य है मैंने देखा है। तीसरी बार उन्होंने पूछा द्रोणाचार्य को तो पहचानता है, उसने कहा यही मूर्ति है मैं द्रोणाचार्य को पहचानता हूँ। उन्होंने कहा द्रोणाचार्य को तो नहीं पहचानता, द्रोणाचार्य तेरे सामने खड़ा हुआ। एकलव्य की आंखों से गदगद आंखों में आंसू आए और कहा कि आज मूर्ति मेरे सामने प्रत्यक्ष हो गई और मैं गुरुचरणों में झुक नहीं सका। हे प्रभु मेरे से गलती हो गई, ऐसा क्या है कि आप आए और मैं आपको पहचान नहीं सका, आपको यह वह मार्ग वह पुल वह सब कुछ नहीं दे सका जो आप चाहते हैं। प्रभु मेरी इस गलती का प्रायश्चित क्या है आप ये बताओ, और मैं आपके चरणों में झुककर कहता हूँ आप जो भी पूछोगे मैं दे दूंगा। द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं तुझ पर कृपा और आशीर्वाद करने के लिए आया हूं, और मैं जो पूछता हूँ तो वो नहीं दे सकता। एकलव्य ने कहा एक बार पूछ कर तो देखो, अगर मैं नहीं दिया तो मैं आपका शिष्य नहीं। और उन्होंने कहा कि मैं तेरा वो अंगूठा चाहता हूँ जिस बाण के कारण तूने आज मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को हराया। यहाँ शिष्य की प्रियता थी और एक तरफ शिष्य की निष्ठा थी, या निष्ठा और प्रियता की दोनों की परीक्षा चल रही थी, और यहाँ निष्ठा ने ही अपना विजय करते हुए उसने अंगूठा काट कर एकलव्य ने दे दिया।